बीजेपी को नहाने दो, धकेलो धकेलो धकेलो। अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी आएगी तो ये मूर्ख तस्वीर बन जाएगा, ये मूर्ख नहीं बचेगा। अरे जमीयत उलमा 70 सालों से ये बात कहती चली आ रही है, जमीयत उलमा सिर्फ और सिर्फ खाली सदन मदारी जमात है। जमीयत उलमा का हमेशा से ये किरदार रहा है, जमीयत उलमा का ये उसूल रहा है कि जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। वहां जाकर देखो दंगला मुसलमानों को, वहां बंगाल में जब सैलाब आया जमीयत उलमा वहां पहुंची है। जमीयत उलमा ने किसी से उसका मतलब मालूम करके उसकी इमदाद नहीं की है, बल्कि जमीयत उलमा ने इंसानियत की बुनियाद पर इमदाद की है। जमीयत उलमा मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसमें हिंदू भी है, हिंदुओं के भी मुकदमात लड़ रही है। जमीयत उलमा हिंदुओं को भी इंसाफ दिलाने वाली जमात है, जमीयत उलमा मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाने वाली जमात है। अरे जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। अरे लोग कहते हैं जमीयत उलमा सियासी जमात है, नहीं, जमीयत उलमा मदारी जमात है। अरे लोग कहते हैं ये कुर्सी के तलवार है, हमें तो एक खाली पताली का भी लालच नहीं है, हमें तो एक कस्बे की छेड़ में नीचे कुर्सी भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ